बहुत तो इमोशनल हो गया आरशी मूवी देख के, स्पेशली या एंडिंग देख के। ये इट्स क्या बना रही है तू? कौन इडली, सा इडली? इंस्टेंट इडली। फिर ये क्या कर रही है? दही डाल रही हूँ उसमें। तो किस चीज का इडली है? नॉर्मल इडली? रवा इडली। रवा इडली, तो वो बोल ना फिर, रवा का इडली। मुझे नहीं पता था कुछ इतना स्पेसिफिक पता है। One hour later. तो क्या है आज का स्पेशल न्यूज? तो आज आरशी का खाना फेल हो गया है। Miserably, बहुत गंदी तरीके से। लाइक मुझे डी भी, मुझे फेल भी नहीं करेंगे, सीधा लोअर क्लास में भेज देंगे। तो आरशी बनाने की कोशिश कर रही थी इडली, और ये बना है उपमा। फिर आशी ने कोशिश की बैटर का डोसा बनाने की। मुझे तो मन नहीं था खाना बनाने का, मैंने सोचा कुछ जल्दी बना देते हैं, बोलो नहीं ऐसे गड़बड़ हो गया यार। जिस दिन खाना बनाने का मन नहीं होता ना, उस दिन बनाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ये होता है। भूखे बैठेंगे? नहीं, हाँ? मैंने बोला भूखे बैठने के लिए, मैंने बोला खाना मत बनाओ, दैट्स ऑल आई सेड, आई डिडंट से कि भूखे बैठो। राम तुझे सिर्फ एक मौका चाहिए कि कब आशी बोले और हम बाहर से खाना लेकर आए, है ना? क्या खा कह रहे? तुझे सिर्फ वो एक मौका चाहिए, या मेरी तबीयत खराब होनी चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा चाहिए, या तो फिर मुझे मन नहीं किया। एंड जैसे ही राम को पता चलता है ना कि मेरी हल्की सी तबीयत खराब है, या मुझे मन नहीं कर रहा है, या मैंने उसको बोला बर्तन धोने के लिए, छोड़ना यार खाना बाहर से लेकर आ दे। पर आज तो जरूरत है, राम की तो गंदा कर दिया मैंने, अब वो पूरा क्लीन करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी तो इवनिंग हो चुका है, अभी फिलहाल टाइम है कुछ 6:30 समथिंग, वी डोंट इवन नो अभी टाइम क्या है। एंड हम निकले हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था, माया के लिए कैटरी खरीदने। एंड आई होप कि आज हवा के कारण हमारे जो रिकॉर्डिंग है वो बराबर हो, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है और साथ में गिर रहा है बर्फ, तो बर्फ चुभ रहा है सीधा हमारे चेहरे पर। क्या मौसम है आज का? कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा। बहुत ही भयंकर मौसम है गाइस आज का, इतना भी भयंकर नहीं है, ऐसे ही भयंकर मौसम हो सकता है, बट आई थिंक इट्स नॉट यूजुअल मौसम। या यूजुअल नहीं है, बहुत कम बार हम ऐसे सिचुएशंस में निकले हैं बाहर। तो प्लान है और माया के लिए कैटरी लेने का और बाहर थोड़ा खाना भी खाने का, क्योंकि जैसे आपने देखा आरशी ने बहुत 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 ही ज़बरदस्त इडली बनाया था, तो इस वजह से हमें बाहर जाके खाना पड़ रहा है, बट इट्स ओके, होता है सबके साथ होता है। सुबह से जो क्लाइमेट है वो इतना ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि आज सारा दिन 1 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर, तो कभी स्नो गिरता है, कभी बारिश होती है, कभी दोनों का मिक्स गिरता है, तो आज बहुत ही कंफ्यूजिंग सा वेदर है, समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर जाना चाहिए या नहीं। गाइस देखिए क्या जबरदस्त खाली है बस हमारे लिए, कोई नहीं है और इतनी साफ सुथरी बस है, क्या बोलते हैं? कितनी छोटी लग रही है आरशी पीछे के पत्थरों के कंपैरिजन पे, पता कितनी छोटी लग रही है तू दूर से। तो काफी सारे कैटरीज हैं यहाँ पे अलग अलग, हम बस देख रहे हैं कि हमको लेना कौन सा है माया के लिए। ये इतने पतले पतले तो चलेंगे नहीं उसके लिए, वो बहुत बड़ी होगी, और वी हैव टू टेक अ बिग वन। तो हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम ये लेते हैं माया के लिए, ये वाला। आधा घंटा यहाँ पे डिस्कस किया हमने, आधा घंटा
हमने ऑर्डर कर लिया है कैटरी, वो डिलीवर होगा घर पे और अभी हम जाएंगे मस्त खाना खाने। बहुत कंफ्यूजिंग था, बट बहुत ही सारे डिस्काउंट्स मिले हमको क्योंकि हमारा यहाँ पे मेंबरशिप है तो पूरे परचेस पे 25% डिस्काउंट मिल गया हमें, विच इज ग्रेट। अभी हम निकले हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पे हम हमारी थोड़ी पेट पूजा करेंगे एंड आरशी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है बिकॉज शी कैन नॉट मेक अप हर माइंड कि उसको क्या खाना है और मुझे क्या खाना है। देखिए जैसे मुंह फुला के बैठी हुई है, कितना खाली लग रहा है ये आज। थर्सडे इवनिंग, संडे इवनिंग भी ऐसा ही लगता है ये मॉल। बस फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे इवनिंग को सही लगता है। यहाँ आने के बाद भी बहुत सोच विचार के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हम हमारा रेगुलर ही खाएंगे सब पे। कुंग फू पांडा लकी फंस यहाँ पे तो खा सकते हैं, नहीं ये तो बंद है। सब में खाने मिला तो यहाँ खा ले, खा तो सकते हैं यहाँ पे, खा ले। तो बज चुके हैं रात के 8 एंड बहुत बड़े एडवेंचर के बाद हम घर आ चुके हैं। मैं इसलिए इतना हाफ रहा हूँ क्योंकि अभी इतने सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हम ऊपर। जैसे आप देख सकते हो अभी भी स्नो रुका नहीं है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और आज का दिन है फ्राइडे। मेरे ऑफिस का काम अभी अभी ख़त्म हुआ है और अभी अभी मैं बाहर आया हूँ। इसने अपना खाना खा लिया मस्त। पता है मैंने तेरे लिए एक्स्ट्रा सब्जी बनाई। क्यों? गवार फली की। क्यों ऑब्वियसली कि इतना लेट हो रहा है तुझे, मैं कुछ बना ही लेती हूँ। और क्या सो रही है एकदम मस्त माया? तो अभी अभी हमने नेटफ्लिक्स पे एक तेलुगु मूवी देखी, श्याम सिंघा रॉय। कैसा लगा तुझे? बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, बहुत। इट्स अ पीरियड मूवी, बहुत सही लगी। फर्स्ट हाफ मूवी की उतनी खास नहीं लगी मुझे, इट वाज ओके बट आई थिंक सेकंड हाफ से फर्स्ट हाफ ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल मूवी। हां ऐसा लगता है कि ऐसे ही कोई ऐसा फर्स्ट हाफ ऐसा ही लगता है, फालतू सी तो नहीं लगती बिल्कुल भी, बट ठीक है। हां ऐसे फर्स्ट हाफ ऐसे लगता है कि इट्स एनी इट्स काइंड ऑफ एनी अदर मूवी, ऐसे नॉर्मल पेस पे चलती है, नॉर्मल सारी चीजें होती है। बट जो भी होता है, हम स्पॉइलर दे रहे हैं हम सबको। अरे कोई स्पॉइलर नहीं दे रहे, हम बस इतना बोल रहे हैं फर्स्ट हाफ इज नॉट दैट great compared to the second half is really good, it's a very beautiful movie. Abhi hum jitne bhi beech mein humne recently jitne bhi indian movies dekhe hain, any movie, and trust me sari itni bakwas hoti hai aajkal movies. theek hai, I have right to criticize, obviously, right? Yes, but this is absolutely masterpiece. आजकल ऐसा हो जाता है कि हमको ना मूवीज इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं कोई भी मूवी, बट दिस वन इज अ गुड वन, दिस इज इन फैक्ट गुड, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली you know directed movie, bahut achhi tarike se direct kiya hai, you can feel all the emotions, you can feel everything, you can feel what the character is you know has been going through in the entire movie. bahut emotional ho gaya arshi movie dekh ke, especially ending dekh ke.